नमस्कार, दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और बता दें आपको कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद अब वो अपना पक्ष रखेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी जो कि संसद में नहीं बोल सके, अब मीडिया के जरिए अपनी बात रखेंगे। आज दोपहर के दम में इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसमें चर्चा की गई कि अब एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इस मुद्दे को आगे लेकर कांग्रेस पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि राहुल गांधी मीडिया के सामने आए हैं और लोकसभा की सदस्यता जाने पर ये अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि कल उनकी ओर से जरूर ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात उनकी ओर से कही गई थी। सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है। और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त अपने मित्र के साथ, पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चैंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर यह सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए।
एक एक करके प्लीज हम वेट आई विल से इट इन इंग्लिश ऑल्सो सॉरी I'll say it in English also. The question begins. Few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number one, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was, set of questions with proof. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia. And I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said, this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this. This is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? Kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of Parliament when somebody makes an accusation to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question, whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? Haji Mohit, 1 minute. राहुल जी बोहित दुबे हूं मैं. मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों बाय द वे सॉरी आई जस्ट नीड टू फिनिश दैट आई लेफ्ट आउट अ पार्ट. लुक आई एम हियर डिफेंडिंग द डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ द इंडियन पीपल. आई विल कंटिन्यू टू डू दैट. आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ दीज थ्रेट्स ऑफ दीज डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ दीज एलिगेशंस ऑफ दीज प्रिजन सेंटेंसेस. आई डोंट केयर. आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम. ओके दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड मी येट.
I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. Rahul ji, मैं मोहित दुबे हूँ. मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं. आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए. आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया. क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा. हाँ जी अनवर, आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है. तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का. हाँ जी अनवर सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए. तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है. ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है. 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए. बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा. और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता. संजय मिश्रा. आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है. ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं. मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं. राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है. मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं. तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा. चाहे मुझे डिस्क्वालिफाई करें, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है. तो देखिए, पूर्व सांसद राहुल गांधी जिन्हें आप सुन रहे थे, और करीब 11 घंटे बाद वो मीडिया के सामने आए. उन्होंने अपना पक्ष रखा, स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैंने कई बार अपनी बातें संसद में रखने की कोशिश की लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया. इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के और इसके साथ ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए. ये लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे राहुल गांधी जी, आपने अपने ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जाति के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्या जिस ढंग से आपने जातिगत अपमान किया, ओबीसी का अपमान किया, आपको किसने हक दिया ओबीसी को अपमानित करने का? क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है? क्या केवल पिछड़े वर्ग के होने के कारण किसी का भी अपमान किया जाएगा? आप अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते? भारतीय जनता पार्टी अडानी के मामले में मौन साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं.
बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ओबीसी में क्या पैदा होना या जन्म लेना कोई गुनाह है, कोई पाप है। ओबीसी का अपमान किया है, इस वर्ग के अपमान की बात बीजेपी लगातार उठा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इस पर अपना पक्ष रखा और ये कहा कि ओबीसी के बहाने आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। इसी पर ज्यादा चर्चा हम आज करेंगे। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त वो मौजूद हैं। मनोज जी, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी के निलंबन को एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली, हमने प्रदर्शन भी जगह जगह देखे। ओबीसी के अपमान का मुद्दा बीजेपी ने उठाया है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि ओबीसी का मुद्दा आप इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं लोगों का। देखिए, ध्यान कौन भटकाना चाहता है, ध्यान भटकाना एक बात हो सकती है राहुल गांधी ने जो अभी कहा है, लेकिन यदि हम पूरी बातों को देखते हैं तो फिर यह बीजेपी भी कह सकती कि आप भी ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की गई वो एक संविधान का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है, जो लगातार कांग्रेस, लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही। पर राहुल गांधी के यदि हम पूरे भाषण को देखें तो उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मोदी है। उन्होंने अडानी और मोदी के बीच जो 20,000 करोड़ की बात कही कि आखिर वो किसका पैसा है, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि लोकतंत्र पर हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस समय लोकतंत्र खतरे में है, मेरे को यदि अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो मैं डरने वाला नहीं हूं किसी से, जेल जाना पड़ेगा हम वहां भी चले जाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तो सीधे तौर पर उनके निशाने पर मोदी जी और मोदी की सरकार है, और एक तरह से जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे तो वो एक रणनीति का हिस्सा दिखाई देता। जहां तक ओबीसी की बात करें, मोदी जो समुदाय है जिस पर हमला राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि मोदी समुदाय यानी तमाम लोगों का नाम जोड़ते हुए उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, चोर तक कह दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया है, वो ओबीसी के बहाने आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो एक अलग तरह की बात है, पर इतना जरूर है यदि राहुल गांधी के पूरे भाषण को हम समझें और देखें तो ये समझ आ रहा है कि आगे की रणनीति कांग्रेस ने भी तय कर ली है और भारतीय जनता पार्टी उसी ओबीसी को लेकर आगे बढ़ने वाली। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, नरेंद्र सलूजा जी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राहुल गांधी की अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही, बल्कि संपन्न भी नहीं हुई है, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला और निशाने पर मोदी है। उन्होंने ये भी कहा जिस ओबीसी को लेकर शिवराज जी कह रहे हैं या बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो कह रहे हैं सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अब मुद्दों पे बात नहीं करें। अभी भी क्या कह रहे हैं कि मैंने 20,000 करोड़ के सवाल उठाए, मैंने ये सवाल उठाए, वो सवाल उठाए, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया, मैं चुप नहीं बैठूंगा। अरे, ये न्यायालय का फैसला है। आपने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक सभा में एक ओबीसी के समुदाय का अपमान किया, उन्हें चोर कहा, उसको लेके पुण्डेश मोदी ने आपके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करी, न्यायालय का फैसला आया, नियमों के तहत लोकसभा सचिवालय ने आपको अयोग्य घोषित किया, उसमें तो आप बात नहीं कर रहे, माफी नहीं मांग रहे। अभी भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अभी भी उनको माफी मांग लेना चाहिए थी, जो अपनी टिप्पणी थी, जो आपत्तिजनक उन्होंने एक समुदाय को लेकर टिप्पणी करी, अभी भी उस पर माफी नहीं मांग रहे, मुद्दों से भटका रहे, मैंने ये सवाल उठाया, मुझे बोलने से रोक नहीं सकते। अरे, तब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आपने एक समुदाय को गाली बकी, न्यायालय ने कानून के तहत आपको दोषी ठहरा, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे। पहले भी आप 7 बार जमानत पर है, 4 बार माफी मांग चुके, बेहतर होता अभी भी आप माफी मांग लेते तो शायद कोई अच्छा होता। ये पूरी लड़ाई ओबीसी वर्सेस राहुल गांधी हो रही है, जिस तरह से शिवराज जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्योंकि मुद्दा तो अब ओबीसी की तरफ चल पड़ा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि ओबीसी को सामने ले आए? ये सच है कि मोदी जो समुदाय है वो उसी वर्ग से आता है? देखिए, बात यह है, कोई भारतीय जनता पार्टी इसको ओबीसी पर डाइवर्ट नहीं कर रही, राहुल गांधी ने खुद ओबीसी वर्ग का अपमान किया, आज मोदी समुदाय का अपना अपमान किया है तो ओबीसी वर्ग से आता है। आप देखें कि यदि ओबीसी वर्ग को छोड़ के किसी और समुदाय को ये राहुल गांधी ने कहा होता तो विदेश में क्या स्थिति होती, लेकिन ओबीसी वर्ग को कहा, एक सीधा साधा भोला भाला समाज है, तो आप उनको चोर कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ओबीसी वर्ग का ये अपमान है और ओबीसी वर्ग इसकी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ओबीसी वर्ग को लेकर आंदोलन की बात कर रही है, घर घर पहुंचकर लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश
मनोज जी कर रहे हैं उसे ही राहुल गांधी साजिश बता रहे हैं। अब बने रहेगा छत्तीसगढ़ का, मैं रुक करूंगी। आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, पीसीसी कार्यालय में वो मौजूद है। 11 घंटे बाद आदित्य जी करीब राहुल गांधी सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि संसद में बोलने नहीं दिया लेकिन मीडिया के जरिए अपनी बात रखूंगा। हालांकि आज वो अपने निलंबन पर नहीं बोले, मोदी अडानी के मुद्दे पर ज्यादातर बोलते नजर आए लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये मेरी तपस्या है और इससे मुझे कोई भटका नहीं सकता। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, चेयरमैन है मीडिया पीसीसी के, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। सुशील जी, बहुत साफ उन्होंने कहा कि सांसद ही गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 20,000 करोड़ का मैं मामला हमने उठाया है और कहीं ना कहीं मेरा हमला अडानी के ऊपर था, उसलिए मुझे ये सजा भुगतनी पड़ी। देखिए, इस चीज को तो सारा देश समझ रहा है कि अडानी के भ्रष्टाचार को राहुल गांधी जी ने उठाया है, इसीलिए राहुल गांधी जी के खिलाफ में षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने सारा कार्रवाई करवाया है। स्पष्ट है, ये जिस अदालत ने उनको सजा दिया था उसी अदालत ने 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया था, उसी अदालत ने उनको जमानत दिया था, उसी अदालत ने 30 दिन तक ऊपरी अदालत में अपील का समय दिया था, उसके बाद ये राहुल गांधी जी की सदस्यता आनंद फानंद में समाप्त गई है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी जी जिन चीजों को उठा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, सदन में जेपीसी की मांग की जा रही विपक्षियों के द्वारा, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सारी चीजें की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं झुकूंगा नहीं और मैं अब जो मेरी दूसरी भारत यात्रा का दूसरा पड़ाव है इसमें मैं जनता के बीच जाऊंगा, शायद जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। निश्चित तौर पर प्रजातंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती, वैसे समय जबकि जिसके हाथ में सत्ता है यह जो तानाशाह हो गया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम कर रहा है, उस समय विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। इस प्रकार का तानाशाही शाही रवैया जब जब सामने आता है, निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग जनता के बीच जाते हैं। राहुल गांधी जी का एक बेहतरीन निर्णय है जनता के बीच जाने का, हम उसका स्वागत करते हैं। देश भर के कांग्रेस जन, देश भर के प्रबुद्ध लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो तानाशाही चरित्र है वह उभर के सामने आया है और यह सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए, उसके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सारी कवायद की गई है। आप लोगों की आज बैठक भी होने जा रही है इसमें, क्योंकि जिला अध्यक्ष भी उसमें शामिल होंगे, तमाम लोग शामिल होंगे, क्योंकि सोमवार से संविधान बचाओ ये आप लोग वो भी शुरू कर रहे हैं, तो ये क्या इसमें निर्णय है, क्या आक्रामक प्रदर्शन होगा, केवल छत्तीसगढ़ में होगा, दिल्ली में भी जाने की तैयारी है? देखिए, AICC में कल हमारे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई है, उस स्टीयरिंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया है कि जो हमारी स्थानीय कमेटियां हैं वो अपने हिसाब से निर्णय लेके इस मामले में जनता के बीच में जाके आंदोलन करेंगी। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी इस संबंध में विचार विमर्श करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यक्रम घोषित करेंगे, हम सब उसका पालन करेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आज इस विषय को लेकर बैठक होने जा रही है, सभी जिला अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे, कांग्रेस के सभी नेता शामिल होंगे, वरिष्ठ नेता, और कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया जाएगा कि सोमवार से किस तरह से आगे बढ़ना है। बहुत साफ है कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बड़ा प्रदर्शन कल भी हमने छत्तीसगढ़ में आदित्य जी देखा था, मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। मनोज जी, देखिए ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया, कई बार माइक बंद करने के आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि अडानी मोदी के रिश्ते को लेकर 20,000 करोड़ रुपए को लेकर मैं स्पीकर को खत भी लिखा, सामने जाकर भी मैंने बात की। तो बीजेपी से आप जरूर ये सवाल पूछिएगा कि क्या आप राहुल गांधी के सवालों से अक्सर डर जाते थे जो इतना बड़ा कदम उठाया, और अब तो देखिए निलंबन के इस कदम ने पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि विपक्ष एकजुटता दिखाना चाहता है। और क्या राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डरती है? सलूजा जी, वो कहते हैं कि संसद में मुझे सवाल नहीं पूछने दिया गया, मैं यदि कहीं बोलता हूं तो आप रोक देते हैं, मुझे अयोग्य घोषित करवा दिया गया, तो क्या राहुल गांधी से डरती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जब संसद में बोलने की बारी आती है तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहां संसद का मजाक उड़ाते हैं। और जब संसद में बैठते हैं तो क्या करते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी मोदी जी के गले पड़ते हैं और संसद का मजाक उड़ाते हैं। और कांग्रेस उनको, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोलने से क्यों रोकेगी, क्योंकि वो तो खुद बोल के अपना मजाक उड़ाते हैं। कभी कहते हैं कि मंदिर में जाने वाले छिड़कानी करते हैं, कभी युवाओं का मजाक उड़ाते हैं, कभी सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, लगातार उनके जो बयान है विवादास्पद आते हैं।
कभी कहते हैं ये राहुल गांधी मर गया, ये वो राहुल गांधी नहीं जिसे आप देख रहे हैं, खुद ही तो अपना मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी, कुत्ते बंदर बिल्ली मेरी यात्रा में आ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं राहुल गांधी ज्यादा से ज्यादा बोले, क्योंकि कांग्रेस की बर्बादी और उनका जो मजाक उड़ रहा है उसके कारण राहुल गांधी का बोलना ही है, तो हम तो चाहते हैं वो और ज्यादा बोले। हम उनको कभी रोकना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनके बोलने से तो आज पार्टी की उनकी स्थिति हो रही है और उनकी भी ये मजाक उड़ रहा है राहुल गांधी। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि सड़क पर उतरने की तैयारी में सोमवार से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। मनोज जी, सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है राहुल गांधी ने, और वो कह भी रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अब हम इस पर आगे जनता के बीच पहुंचेंगे। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये, मनोज जी और आदित्य जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनोज जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिये, निलंबन हुआ क्योंकि मोदी समुदाय को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, कोर्ट ने उसे दोषी माना, और उसके बाद देखिये निलंबन की कार्यवाही लोकसभा की ओर से की गई। लेकिन आज राहुल गांधी जो सामने आए हैं उसमें लग रहा था शायद वो इसे लेकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने मोदी अडानी पर निशाना साधा और पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर केंद्रित कर दिया और स्पष्ट किया कि आगे लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, दो तरह की बातें हैं जया, ये भी समझना पड़ेगा। कई जो समीक्षक हैं वो ये भी कहते हैं कि जब जब आप मोदी पर हमला बोलेंगे तो फिर वो दूसरे तरह से देखा जाता, वो भारी पड़ता। जैसा आम एक बात कहें या भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है या कांग्रेस के कई लीडर्स कहते हैं तो एक अलग रणनीति के साथ बढ़ना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की रणनीति वही है कि सामने मोदी, अडानी, अंबानी, इन तमाम तरह के लोगों को रखना और फिर बात भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जाना। आपको याद होगा जब पहला जब चुनाव हुआ इससे पहले 2019 का, तो उसमें जो बात कही गई थी राफेल को लेकर, वो चौकीदार चोर है बड़ा मुद्दा बनाया था, लगातार हमले बोले गए थे, लेकिन हुआ क्या, सत्ता में वापसी हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब ये 2023-24 में, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी अपनी कुछ हद तक छवि निखारने में कामयाब रहे हैं। हाँ। और ऐसे दौर में जब अयोग्य घोषित किया गया है तो वो और एक और बड़ी नई छवि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और पार्टी उनको गढ़ना चाहती है, लेकिन कितना गढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, कैसे वापसी होगी, कैसे कमबैक होगा मनोज जी राहुल गांधी का, ये भी देखने वाली बात होगी और वो बेहद दिलचस्प होगा। आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं या पूरे देश में कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देखिये अभी तक कई तरह के आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं, लेकिन ये जो एक मुद्दा सामने आया है राहुल गांधी के निलंबन का, निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस को इसने एकजुट कर दिया। बड़ा मुद्दा तो आया है सुशील जी, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कांग्रेस के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी, सोनिया गांधी की 2006 में सदस्यता गई थी, अब राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से एकजुट होने का एक बड़ा मौका मिला है केंद्र के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही देश में अकेली ऐसी राजनीतिक दल है जो केंद्र के खिलाफ लगातार मुखर है। राहुल गांधी इस देश के अकेले ऐसे नेता हैं जो युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे समय जबकि सारी संवैधानिक संस्थाओं को लगभग बंधक बना के रखने की साजिश रची गई है, उस समय राहुल गांधी देश के लोगों के लिए एक आशा की किरण है। राहुल गांधी जी को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि राहुल गांधी निर्भीक होकर अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में उनके पास लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस बात को ये मीडिया के माध्यम से सामने रखते हैं, तो उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को भेज के नोटिस भेजा जाता है। बिल्कुल, देखिए अभी भी कांग्रेस की ओर से वही बातें कही जा रही है आदित्य जी, जो राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है, विपक्ष कैसे आगे कदम बढ़ाता है और सरकार की ओर से अब बीजेपी की ओर से क्या रणनीति अपनाई जाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया मनोज जी, इसके साथ ही आदित्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर से आप सुनिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी चीज से नहीं डरते हैं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाता रहूंगा। हालांकि आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी ये देखने वाली बात है। इसी के साथ दोपहर कदम में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।